माता जय माता दी, जय माता नाभे वाली। दोस्तों, इस वक्त मैं आपको नाभा माता के मंदिर शक्तिपीठ कन्याला जम्मू में लाया हूँ। जम्मू में ये माता जी का स्थान है, नाभा माता जी का, एक बड़ी प्यारी सी जगह। कन्याला रोड पे कन्याला पड़ता है, अपना दुमेल और जंद्रा के बीच में। और यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर भगवान जी की आकृतियाँ लगी हुई हैं। ये देखिए शिव जी का रूप, बहुत प्यारी सी तस्वीर है। और यहाँ आपको काफ़ी कुछ दिखेगा। मंदिर के बारे में भी थोड़ा सा बताता हूँ। ये माता जी की मूर्ति है, माता जी का है, और ये शिव जी, ये गणेश जी, और इसके साथ हनुमान जी का। तो यहाँ से मंदिर का इस तरफ से हम आते हैं, और ये सामने इस तरफ नाभा माता जी का अंदर स्थान है। अंदर कैमरा लेना मना है, इसीलिए मैं बाहर से ही इसकी वीडियो ले लूँगा। बड़ी प्यारी सी जगह है, शांत जगह, एकांत जगह। काफ़ी दफ़ा यहाँ से निकला, मगर इस जगह को ढूंढने के लिए मुझे समझ लीजिए 57 साल लग गए। और काफ़ी दफ़ा यहाँ से निकलता था, मगर समझ नहीं पाता था कि ये मंदिर कहाँ है। ये देखिए किस तरह की आकृति है, और नेचुरल है ये सारा। उस सामने जो गुफा के अंदर, वहाँ माता जी का स्थान है। कैमरा अंदर अलाउड नहीं है, पंडित जी ने बोला बाहर से आप वीडियो कर सकते हो, अंदर से नहीं। और ये पानी यहाँ से, इसकी कमांड यहाँ, इसकी देखरेख जो भी है वो यहाँ पे आर्मी करती है। बहुत प्यारी सी जगह है। अगर आपको वक्त मिले तो ज़रूर नाभा माता जी के मंदिर में आना, जो कि कन्याला में है। और बड़ी प्यारी सी जगह है, शांत जगह। और चारों तरफ इन्होंने सीढ़ियों पे बैरिकेडिंग की हुई है, क्योंकि काफ़ी जानवर हैं यहाँ पे। और अगर आपको कभी भी वक्त मिले तो ज़रूर आना। गूगल्स पे आप नाभा माता डालोगे तो आपको इसकी लोकेशन मिल जाएगी। एंटर करने के लिए स्टेट हाईवे से आपको एक चेक पॉइंट मिलेगा, वहाँ आपको अपना आधार कार्ड चेक करवाना पड़ेगा एज ए आइडेंटिफिकेशन। वो चेक करवा के वहाँ से आप निकलते हुए एक पहला ही, जैसे आप गेट में आते हो तो आपको सीढ़ियाँ दिखेंगी, बैरिकेडिंग हुई है साइड से, जाली लगी हुई है, वहीं पे आप अपने जूते चप्पल खोल सकते हो। नहीं तो उससे आगे कोई 100 कदम के बाद दोबारा आपको एक प्लेस मिलेगी, वहाँ आप जूते खोल के आप इस तरफ से इसको एंटर करोगे। ये रास्ता सामने से ऊपर इस तरफ से जा रहा है, वो सामने, ज़्यादा दूर नहीं है। मेरे अंदाजे से 200 मीटर का ये सारा स्ट्रेच होगा पैदल आने का। और बड़ी अच्छे तरीके से साफ सफाई से इस मंदिर को रखा गया है। और ये इसका मेन द्वार है, मेन जिस जगह लोग बैठ के पूजा करते हैं। और ये एक बरांडा टाइप है, बहुत प्यारा सा है। और इस तरफ सामने माता जी का मंदिर है। तो अगर आपको कभी वक्त मिले तो आप ज़रूर आना और ज़रूर माथा टेकना। बहुत प्यारी जगह, जम्मू से ये मुश्किल से ये 30-50 किलोमीटर के रेंज में है। 45 भी हो सकती है, 55 भी हो सकती है, और 50 भी हो सकती है। और आपको यहाँ का एक छोटा सा और दृश्य बाहर से दिखा दूँ। ये देखिए, ये एक गुफानुमा, ये देखिए, ये यहाँ से लोग जल लेके जाते हैं। और ये देखिए अंदर की आकृति। तो आए हो तो भगवान जी के यहाँ पे दर्शन ज़रूर करना। देखिए किस तरह की आकृतियाँ बनी हुई हैं। पानी जब इन पहाड़ों से निकलता होगा तो वो कैसे कैसी आकृतियाँ बीच में बनाता है। तो यहाँ से ये एक नाग टाइप पत्थर की कटिंग है, देखिए बहुत प्यारी है। आपको आपको थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ। ये देखिए बहुत प्यारी चीज़ लगी, इसी के अंदर ये साथ में सीढ़ियाँ, और सीधे आगे माता जी का स्थान। और यहाँ का बाहर का दृश्य थोड़ा सा आपको मैं बाहर से बता दूँ। ये देखिए किस तरीके से बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है। और यहाँ पे ये जल जो लोग घर पे लेके जाते हैं पूजा के स्थान में यूज़ करने के लिए, देखिए बिल्कुल साफ सुथरा है। और यहाँ से पानी शायद लिफ्ट करके आगे पीछे भी ले जाता है। और ये एक किस्म की, इसको गुप्त गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और एक दफ़ा दोबारा मैं आपको इसके दृश्य दिखा दूँ। ये है नाभा माता का, नाभा माता की गंगा। देखिए कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है, इसका कुछ मालूम नहीं।
दोस्तों कोशिश तो की दिखाने की आपको काफी कुछ, जितना मैं बोल सकता हूँ, जितना मैं समझ सकता हूँ, जितना मैं समझा सकता हूँ। मेरा मेन मकसद होता है लोकेशन, जब मेरी गूगल फोटो पे या मेरे फेसबुक पे या यूट्यूब पे जब ये जाएगी तो मैं इसके साथ इस जगह की लोकेशन भी डाल देता हूँ कि अगर मैंने कोई गलती की है बोलने में या कुछ चीज़ में, आप वहाँ से लोकेशन से इस एरिया को ढूंढ सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपको आगे किसी नए एपिसोड में। शेषनाथ की पिंडियां दिखाऊं दोस्तों, गिनती कम हो जाएगी, मगर ये इतने यहाँ पे पिंडियां हैं, ये देखिए बीच में काफी दूर तक। और यहाँ की मान्यता है कि लोग कहते हैं कि यहाँ पे शेषनाथ जी दर्शन देते हैं, ये शेषनाथ जी का ही स्थान है। अभी अभी शेषनाथ जी ने दर्शन दिए थे, लाइव दर्शन दिए थे, मगर मैं दर्शन ना कर पाया। मेरे साथ दो सज्जन और थे, वो उन्होंने यहाँ पे शेषनाथ जी के अभी दर्शन किए और उन्होंने मुझे बताया ये इस जगह की आस्था है। देखिए आप आइए, इंतज़ार कीजिए, अगर आपकी किस्मत में होगा तो आपको भी शेषनाग जी दर्शन देंगे। ये देखिए शेषनाग जी कैसे बैठे हुए हैं और इनके नीचे इनकी पिंडियां, और ये अंदर माता का दरबार। और देखिए किस तरह से इस पहाड़ पे, देखिए कैसे, जैसे आप समझो कि आपने कोई कटिंग की हो, तो बहुत प्यारा सी जगह लगी, जैसे शेषनाग जी का स्थान होता है उसी तरीके से। और सबसे अच्छा बढ़िया ये, तो दोस्तों जितना मैं आपको दिखा सका, जितना वीडियो में बोलने में उतना मेरी कमी हो सकती है, मगर इसलिए बोला कि दिखाने में मैं आपको हर चीज़ दिखा सकता हूँ। तो ये देखिए ये नाभा माता जी का मंदिर और सामने ये शेषनाग जी। मंदिर में आपको मैं दर्शन करवाता हूँ, ये बाणगंगा जो यहाँ पे बाणगंगा के नाम से जाना जाता है, इस तरीके से गुप्त आती है। और ये सामने शेषनाग जी, ये शेषनाग जी, और सामने अंदर माता का दरबार। जय माता दी, जय नाभे वाली माता की। और ये शेषनाग, और ये देखिए जो साइड में पहाड़ की कटिंग, और ये देखिए क्या अब मेरे पास शब्द नहीं है बोलने को, दिखा आपको मैं सब कुछ दूंगा। और यहाँ पे कहते हैं कि शेषनाग जी के दर्शन होते हैं। जय नाभे वाली माता। मंदिर के बड़े अच्छे से दर्शन हो गए हैं और यहाँ से निकल ही रहा था, और यहाँ पे ये एक और मैंने स्थान देखा तो सोचा कि ये भी आपको दिखा दूं। ये शिवजी जी का स्थान यहाँ पे बनाया गया हुआ है, और ये अभी नया ही है, नाभा माता के कंपाउंड में बहुत अच्छे तरीके से सजावट से बड़े प्यारे ढंग से ये राम लक्ष्मण सीता, ये एक तस्वीर और है, ये राधे कृष्ण और ये शिव पार्वती। तो ये नया ही अभी टेंपल बना, दो तीन चार महीने हुए हैं शायद, मेरे अंदाजे से इतना ही टाइम हुआ होगा कि ये अभी नया खुला। अगर आप नाभा माता के मंदिर में आते हो तो यहाँ भी आप भगवान जी के दर्शन ज़रूर करना। तो बड़ी अच्छी सी जगह, जम्मू से ये हार्डली 50 किलोमीटर का एरिया होगा,
और बड़ा प्यारा सा लगा। और मैंने अभी जो मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि सर कितना टाइम हुआ अभी इसको बने हुए? 5 महीने सर। 5 महीनों से ये लोगों के लिए ये भी खोल दिया गया हुआ है, जो नाभा माता जी के मंदिर में आए वो यहाँ भी दर्शन करें। और ये यहाँ पे शिवलिंग स्थापित, और ये देखिए नंदी जी शिव जी का इंतजार करते हुए, और ये यहाँ पे नया शिवलिंग स्थापित किया हुआ है। तो ये थी नाभा माता की कहानी दोस्तों, बड़ी अच्छी जगह। अगर आपको टाइम मिले तो ज़रूर यहाँ पे आना, नाभा माता का मंदिर में ज़रूर दर्शन करना। और इस तरह से ये स्टेयर्स है यहाँ पे, और दोनों तरफ नेटिंग की हुई है क्योंकि बंदर यहाँ पे काफी हैं। और एक चीज मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे ये देखिए हर पोल पे हर भगवान जी का यहाँ पे चित्र लगाया हुआ है, जो आए कम से कम देख ले, यहाँ अपना वो हिसाब लगाए कि उसने किस किस जगह कौन कौन से भगवान के दर्शन किए हुए। ये मुझे इस मंदिर में एक बहुत प्यारी सी चीज़ लगी कि ये बाकी मंदिरों में भी इस तरह का होना चाहिए कि कोई मंदिर में आए तो वहाँ कम से कम भगवान की तरफ ही ज़्यादा ध्यान दे, बाकी चीज़ों की तरफ कम। अब ये नीचे मंदिर की लोकेशन है, ये देखिए। तो थोड़ा सा मैं वीडियो अब यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि ये कुछ एरिया में यहाँ पे वीडियोस बनाना थोड़ा मना तो नहीं किया, मगर फिर भी उतनी हमको भी समझ होनी चाहिए, तो इसका कारण बाद में बताऊँगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपको आगे। ये नाभा माता जी का मंदिर कन्याला में, जो दुपमेल कृष्णपुर मनवाल रोड पे है। तो मिलता हूँ आपको आगे। जय माता दी।